नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आया हूं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप क्या करोगे, ऑनलाइन टीचिंग करोगे, बच्चों को पढ़ाओगे और अच्छा खासा इनकम करोगे। यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी पढ़ा सकते हो। स्टूडेंट्स जो जूनियर सेक्शन है, प्रेप से लेके प्लस टू, कॉलेज डिग्री, सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सकता है। प्रोग्रामिंग पढ़ा सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिग्रीज यहाँ पे पढ़ाए जा सकते हैं। या होम ट्यूटर के रूप में पढ़ा सकते हो, उनके घर पे जाके पढ़ाओ या आप ऑनलाइन पढ़ाओ, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि ये आपके अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का जो नाम है वो है माई फैब ट्यूटर। ये बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है दोस्तों। पूरा डिटेल्स बताऊंगा कैसे आप यहाँ पे साइन अप करोगे, किस तरह से पूरा प्रोसेस करोगे और किस तरह से आपकी अर्निंग होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो आप ऑब्वियसली वीडियो को शेयर कर ही दोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मैं क्या करूंगा, अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे ले जाऊंगा, जहां पे आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। एक एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो कुछ भी असुविधा हो सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बता सकते हो। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना एक ब्राउजर ओपन करना है, जहाँ पे आपको साइट ओपन करनी है। कौन सी? माई फैब ट्यूटर। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये क्रिप्टो टैब ब्राउज़र डाउनलोड नहीं किया है और ये क्या होता है, आप यहाँ से इनकम कैसे कर सकते हो, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस पर प्रीवियसली वीडियो भी किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दे रहा हूँ, फटाक से उसको जाके देखो और यहाँ से आप लाखों अर्न कर सकते हो। क्यों? सिर्फ आपको एक काम करना होगा, ब्राउज़र यूज़ करना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं अब आपको आगे की बात करता हूँ। मैं जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ वो प्लेटफॉर्म है माई फैब ट्यूटर, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को आपको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये देख लो, एक सुंदर सा इंटरफेस आ जाएगा, जिस इंटरफेस के जरिए आपको रजिस्टर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरीका है, मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के थ्रू से आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो और यहाँ से ट्यूटर ले सकते हो। सेकंड है, अगर आप एक इंस्टीट्यूट हो तो एज ए इंस्टीट्यूट आप यहाँ से रजिस्टर हो सकते हो। अगर आप एक टीचर हो तो आप यहाँ पे पढ़ाना चाहते हो तो उसके थ्रू से भी आप ये कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे और इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सबसे पहले माई ट्यूटर का सेक्शन है, यहाँ पे ट्यूटर रजिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन, सर्च जॉब्स एंड स्टूडेंट क्वेरीज, ये चार है जो आपके लिए है, खासकर जो अर्न करना चाहते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो, और एल्स आप साइट के फूटर में जाओगे, एकदम नीचे वाला सेक्शन में जाओगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ, आप दोनों में से जो भी चाहो क्लिक करके आप उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको नेम देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और उसके साथ साथ आपको देना है, कंफर्म करना है मोबाइल नंबर, ठीक है, पासवर्ड देना है, ठीक है। तो चलो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, इसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फिलअप कर दिया मैंने, अब इसको सबमिट कर देते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे पासवर्ड में कोई मिस्टेक करेंगे तो रिफॉर्म हम मेरे को सबमिट करना होगा। देखिए मेरे सेलफोन पे ये वेरिफिकेशन कोड भेजे हैं जिसको मुझे यहाँ पे फिल करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो भी है उसको फिल करते हैं। जैसे मेरे सेलफोन पे आता है तो OTP आ चुका है दोस्तों, OTP है 9183, ठीक है। अब OTP को वेरीफाई करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप है दोस्तों, सेकंड यहाँ पे क्या है, फर्स्ट तो मेरे को क्या करना होगा, अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में आके अपना प्रोफाइल फ़ोटो डालना है, ठीक है। तो प्रोफाइल फ़ोटो डाल देते हैं, चलिए डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। तो देखिए ज़्यादा मैं फुल प्रोसेस नहीं करूँगा, मगर जो, चलिए मैंने ये फ़ोटो डाल दिया, ठीक है, क्रॉप एंड सेव कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ओके। अब यहाँ पे आपको
पूरी समरी देनी है, आपने नाम वाम जो दिया था, अब जेंडर दो, अब जैसे डिस्प्ले नेम कॉल्ड एज अगर एग्जाम्पल विकास सर या विकास सर कर देता हूँ भाई, आप यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करोगे, यहाँ पे लैंग्वेज मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, बंगाली आती है, ठीक है, आपको जो भी लैंग्वेज जाना है आप यहाँ पे डाल दोगे। अब यहाँ पे ट्यूटर का टैगलाइन आपको यहाँ पर डालना है, टैगलाइन डालने के बाद आपको प्रोफाइल की समरी देनी है, समरी देनी है तो फोर से यहाँ पे देखें सैम्पल, यहाँ पे टेक्स्ट देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे यर्निंग वोंट स्टॉप योर टीचिंग सब्जेक्ट ट्यूशन बाई योर नेम एंड योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है योर टीचिंग सब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे साइंस ट्यूटर सर और देने के लिए ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 8 years, ठीक है। अब यहाँ पे आप समरी दे दीजिए, समरी में क्या दीजिएगा कि आप क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ ईयर्स ऑफ, आप आई हैव डैश 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 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ ट्यूटर, आई बिलीव इन प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोफिशिएंट, मतलब आप अपने बारे में बताओगे कि आप बेस्ट क्या हो, प्लस आप आपको जो भी डिटेल्स आप लिखना चाहो लिख दो, ठीक है, यहाँ पे अच्छा एटलीस्ट 50 कैरेक्टर्स यहाँ पे देना ही होगा, बीएससी ग्रेजुएट विद अ बीएससी ग्रेजुएट डिग्री, ओके, आई हैव अप्रोक्स 8+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 50 कैरेक्टर्स हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या है अपना एड्रेस पूरा वेरीफाई करके देना होगा, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे डिग्री के साथ आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में देना होगा, ठीक है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इस तरह करके आपको सारे डिग्रीज अपने देने होंगे। यहाँ पे टीचिंग प्रेफरेंस देना होगा, आपके कितनी एक्सपीरियंस है, मान के चलो मेरी 8 years की एक्सपीरियंस है तो 8 years देंगे, यहाँ पर टीचिंग प्रेफरेंस क्या क्या देना है, CBSE पढ़ाते हो या ICSE पढ़ाते हो, ये आपको यहाँ पे देना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लास 12 कौन सा है, कौन कौन सा क्लास पढ़ा रहे हो भाई, ये दे देना, ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे, इंग्लिश पढ़ाओगे, इंग्लिश मैथमेटिक्स, तो जो जो सब्जेक्ट पढ़ाओगे आप यहाँ पे चूज़ करके सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल दोगे, फिर नेक्स्ट करोगे, ठीक है। अब आपके आवर्ली यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स भरने हैं, तो यहाँ पे जैसे ट्यूटर होम, घर जाके पढ़ाना चाहो तो पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन, ट्यूटर कोचिंग सारा ऑप्शन यहाँ पे है, टाइम के लिए मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग, ठीक है, प्रीफर्ड डेज, तो आप अपना सारा डेज जो जो दिन आप पढ़ा सकते हो आप यहाँ पे दे देना। अब यहाँ पे इंटरव्यू आवरली फीस मान के चलो मैं 200 रुपये दे देता हूँ, पर क्लास फीस इन INR, पर क्लास का मान के चलो 200 रुपये ही दे देता हूँ, एक क्लास का मैं 200 रुपये लूँगा। करेंट इन्वॉल्वमेंट कोई स्कूल या कॉलेज से आप पढ़ा रहे हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, GST नंबर अगर ये उन्हीं के लिए है दोस्तों, खासकर जिनके इंस्टीट्यूट वगैरह होती है तो वहाँ पे GST नंबर आपको बटना पड़ेगा। अब यहाँ पे फोटो ID अपलोड करना है, फिर क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट अपडेट करनी है, फिर नेक्स्ट कर देना। इसके बाद क्या होगा, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होते ही एक बार आपका अकाउंट अप्रूव हो गया उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आके पढ़ा सकते हो। अब क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा सकते हो दोस्तों, ये आपको मैं बता दूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या है। आप यहाँ पे क्लास 1-8, क्लास 9-10, क्लास 11-12, डिप्लोमा BSc, BA, BCom, इंजीनियरिंग MBA। अब सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, एग्जाम्स के सारे हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा बोर्ड से यह सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, यह आप यहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से भी जाके देख पाओगे, यहाँ पे आपको और भी विस्तृत रूप में दिखाएगा और भी बड़ा होकर दिखाएगा, जहाँ पे आप प्रोफेशनल डिग्रीज जो कोर्सेस होते हैं ये सारा कुछ है दोस्तों। तो आप स्कूल के बच्चों को तो जो पढ़ा रहे हो प्लस 2 लेवल के, और आप ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट वाले को पढ़ा सकते हो, या प्रोफेशनल कोर्स या डिग्रीज जो लेना चाहते हो उनको भी पढ़ा सकते हो। क्लास की क्लासिफिकेशन यहाँ देख लो, यहाँ पे पूरा एकदम क्लास 1 से स्टार्ट होके पूरा BSc
एमएससी मास्टर्स से लेकर बैचलर डिग्री सारा कुछ है, प्लस प्रोफेशनल डिग्रीज जो है होते हैं वो सारे कुछ भी हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। और यहाँ पे देख लो एग्ज़ाम्स किस तरह का आप यहाँ पे कोचिंग करवाना चाहते हो, तो सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना डिटेल्स है आप यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये है क्या पूरे वेबसाइट का समरी, जहाँ पे आपके पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और आप यहाँ से एक अच्छा खासा इनकम एज अ ट्यूटर ऑनलाइन पढ़ा के डेफिनेटली कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपके कमेंट को बहुत ही सीरियसली लेता हूं और हर एक कमेंट को पर्सनली रिप्लाई भी करता हूं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।